सबसे पहले आप मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए। मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सेटिंग्स के अंदर आप एप्लीकेशंस एंड परमिशन को क्लिक करो। उसके बाद ऐप मैनेजर में क्लिक करो और उसके अंदर आपको क्रोम को क्लिक करना है और क्रोम की सेटिंग्स को चेंज करना है। इसमें आप ये कंफर्म कीजिए कि कैमरा और माइक्रोफोन ऑन है या नहीं। ठीक है, ऑन कर दीजिए इसे। नेक्स्ट स्टेप में आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन में जाना है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन के अंदर आप ओपन करके सेटिंग्स में जाइए। उसकी सेटिंग्स में भी सेम यही हमें सेटिंग्स चेंज करनी है। गूगल क्रोम की सेटिंग्स के अंदर साइट सेटिंग्स आएगी, साइट सेटिंग्स को आप क्लिक करो। इस तरीके से ये ओपन होगा और उसके अंदर भी कैमरा और माइक्रोफोन आपको ऑन कर देना है ताकि ये इजीली एक्सेस हो पाए। कैमरा का भी ऑन कर दिया हमने, माइक्रोफोन का भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये ऑन रहना चाहिए। उसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका हिस्ट्री रहता है गूगल क्रोम का, ब्राउज़र हिस्ट्री, वो भी आप क्लियर कर दीजिए ताकि आपके ऐप में कोई लोड ना आए और इंटरनेट आपका अच्छा चले। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट अवर ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है assessment.eklavya.com, राइट? assessment.eklavya करेंगे तो भी आपको पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक कीजिए और आपको चेक कर लेना है कि कौन सी वेबसाइट क्लिक करनी है। वेबसाइट में आप देखना assessment.eklavya.com, वही आपको क्लिक करके ओपन करना है फॉर योर ऑनलाइन एग्जाम। इस लिंक को क्लिक कीजिए, देन यू विल सी दिस पेज, कैंडिडेट लॉगिन, राइट? इन दैट आपको अपना यूजर नेम डालना है और पासवर्ड टाइप करना है जो आपको मिलेगा। हियर यूजर नेम आप टाइप करो और इधर पासवर्ड आपको टाइप करना है। नेक्स्ट नीचे कोड आता है, राइट? वो कोड एज इट इज आपको नीचे टाइप करना है। सी अल्फाबेट्स जो रहेंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही रहेंगे, तो उसमें आपको कैपिटल लेटर टाइप नहीं करना है, राइट? मेक श्योर दैट। नेक्स्ट उसके नीचे आपको राइट क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके? तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके नीचे आप देख रहे हैं रिमेम्बर मी, इस चीज़ को आपको टच नहीं करना है, उस पर आप क्लिक नहीं करना, ओके? क्योंकि उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है, पासवर्ड जो है, वो सेव हो जाएगा और हर एक लॉगिन के अंदर आपको नया पासवर्ड मिलता है, ऐसा हो सकता है, तो वो आपको रिमेम्बर मी में क्लिक नहीं करना है। देन उसके बाद आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको आईडी वेरिफिकेशन में जाना है। आईडी वेरिफिकेशन पेज में आप देख सकते हैं वेबकैम के नीचे, राइट? वेबकैम में आपको अपना फेस विजुलाइज करना है, अदरवाइज आपका आईडी कार्ड आप बता सकते हैं या फिर आपका फोटोग्राफ आप बता सकते हैं। फोटो कैप्चर करने के बाद आप नीचे कैप्चर को क्लिक करो, राइट? उसके बाद सामने की साइड जहाँ पर ब्लैंक एरिया है वहाँ पर आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, आपको दिखेगा। और फिर कैप्चर फोटो के नीचे, राइट, कंफर्म लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओके? देन आपका एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से, राइट, एग्ज़ाम आपको स्टार्ट करनी है अपनी ऑनलाइन एग्ज़ाम। और फिर आप देखेंगे कि आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई देगा, अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पैटर्न एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज डमी स्टाइल।
तो इस तरीके से सेक्शन वन रहेगा, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री रहेगा। सेक्शन वन कंप्लीट करने के बाद आप सेक्शन टू पे जाएंगे, सेक्शन टू के बाद सेक्शन थ्री पे जाएंगे, राइट। सेक्शन वन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज, टोटल 45। उसमें से आप टोटल 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर 45 सारे के सारे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो फिनिश करने के बाद सबमिट करके आप जाएंगे सेक्शन टू में। सेक्शन टू स्टार्ट करने से पहले ऑडियो अलाउ का आपको आइकन आएगा, वो आपको अलाउ करना है, देन यू कैन गो टू सेक्शन टू, राइट। सेक्शन टू में आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आंसर दे सकते हैं और टाइप करके भी आंसर दे सकते हैं। बट अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप एक बार आपका आंसर कंफर्म कर लो जो कंप्यूटर ने टाइप किया है ऑटोमेटिकली, राइट। नेक्स्ट सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री ओपन बुक एग्जाम रहेगा, राइट। उसमें आप आंसर्स लिख सकते हैं और उसमें आपको टाइम लिमिट के बाद पीडीएफ फाइल सेंड करनी है। पीडीएफ फाइल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको आपके मेंटर्स दे रहे हैं, काइंडली फॉलो इट, राइट। सेक्शन थ्री के लिए A4 साइज़ के आप ब्लैंक पेपर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लाइनिंग वाले पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन थ्री में पहले इतनी इंफॉर्मेशंस लिखें, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का नेम, राइट, सब्जेक्ट नेम, आपका ईयर, आपका टोटल पेज नंबर्स कितने हैं और पेज नंबर वाइज आपका नंबर्स आप मेंशन करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो पीडीएफ पूरा जो फोल्डर आप बना रहे हैं, ठीक है, उसका नेम आप कैसे देंगे, तो उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट नाम लिखिए और फिर आपके मेंटर्स को फॉरवर्ड कीजिए ईमेल थ्रू। नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस में अगर आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू सम इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, तो आप उसको फिर से जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से शुरू कर सकते हैं लॉगिन करके। एंड कॉपी मत कीजिएगा बिकॉज प्रॉक्टर्स आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, अगर उन्हें लगेगा कि आपका फेस इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है, राइट, या फिर ऑडियो का आवाज़ भी हमें सुनाई देता है आप क्या बात कर रहे हैं, अगर आपने स्क्रीन शेयर की है, तो इन दैट दीज केसेस आपको वार्निंग साइंस भी मिल सकती है। और एकलव्य एग्जामिनेशन वेबसाइट के सुपरवाइज़र भी आपको एग्जामिन कर रहे हैं, तो आप डोंट ट्राई टू चीट। और आपके अल्टरनेटिव नंबर्स भी आपके मेंटर्स को दे दीजिए ताकि इन सच केसेस और इश्यूज अगर हमें लगे, प्रॉक्टर्स को लगे, तो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एट द टाइम। ओके, बेस्ट विशेस फ्रॉम योर कॉलेज एंड फ्रॉम ऑल द फैकल्टी।